हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंद्रानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल NK ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो जिस तरह से हमने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से इसे एक और डायमेंशन आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल्स निकाले जा सकते हैं। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है f, x, y, z का फंक्शन है। इसे हमें तीन x, y, z तीन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो जैसा कि हमने डबल इंटीग्रल में बात की थी, बिल्कुल उसी तरीके से ऑर्डर वाइज हम ये कह सकते हैं कि जो ये बिल्कुल इंटीरियर में है, ये लिमिट्स x के लिए काम आ रही हैं, ये लिमिट्स y के लिए और ये लिमिट्स z के लिए। इसे हमने एक इंटीग्रल i से डिनोट कर दिया। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। इंटीग्रल 0 to a, 0 to b, 0 to c, एक्स वाई जेड, डी एक्स, डी वाई, डी जेड। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया है, केवल हम प्रोसीजर समझना चाहते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन का। तो सबसे लास्ट में जेड लिखा गया है, हालांकि जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स से ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये किसकी लिमिट्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट लिमिट्स हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि सबसे बाहर की तरफ dz लिखा गया है, तो पहले इसे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए x और y को कांस्टेंट लेंगे, तो x, y, z, dz, dx, dy बाहर लिख दिया हमने। एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2, 0 to a, dx dy। z की जगह अपर लिमिट आप रखेंगे a स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 है तो रखने का कोई फायदा नहीं है। dx dy, a स्क्वायर अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल दिया 0 से लेकर c तक, और अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x को कांस्टेंट रखना होगा, x y dy dx। x कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स हमारे पास y की हैं 0 से b तक, dx a स्क्वायर अपॉन 2, y की जगह आप लिखेंगे b, तो आपको मिल जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2, और अंदर रह गया x dx। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से c तक इंटीग्रेट करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ट्रिपल इंटीग्रल भी इवेल्युएट कर सकते हैं। समझने के लिए हमने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें तीनों लिमिट्स कांस्टेंट हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो सबसे अंदरूनी लिमिट्स हैं जिन्हें हम z के लिए यूज कर रहे हैं, अगर यहां पर आपको z का कोई टर्म नहीं दिखाई दे रहा, मींस आपको यहां पर x एंड y के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये z की लिमिट्स हैं। तीनों वेरिएबल्स में से x, y, z तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों में से आपको जो वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है उसी की लिमिट्स ये मानी जाएंगी। मींस अगर यहां पर आपको x और y के टर्म्स दिख रहे हैं, z का टर्म नहीं दिख रहा, तो ये z की लिमिट्स हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो लिमिट्स लिखी गई हैं, मान लीजिए आपको यहां पर केवल x के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, आपको यहां पर केवल x के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, z की लिमिट यूज की जा चुकी है। अब बात आती है कि ये x की लिमिट है या y की लिमिट है। तो अगर आपको यहां पर x दिखाई देता है, y नहीं दिखाई देता, तो इट मींस ये y की लिमिट्स हैं और फिर सबसे लास्ट x की लिमिट्स होंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने डबल इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था। तो ये आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करने का प्रोसेस है। इंटीग्रल कैलकुलस की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे सामने सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी निकालने में। सपोज आपके पास कोई भी प्लेनर एरिया ए है, जैसे एक रेक्टेंगल मान लीजिए, एक रेक्टेंगुलर प्लेट मान लीजिए, तो वो एक टू डायमेंशनल सरफेस है।
तो उसका टोटल मास, अगर हमें उसकी डेंसिटी पता है तो टोटल मास निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, मास इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ रो डी एक्स डी वाई, वेयर रो इज डेंसिटी। तो ये जो डेंसिटी है इसे x और y की फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो रो की जगह एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में फंक्शन x और y में न देकर r और थीटा में गिवन होगा, सो एफ आर थीटा डी एक्स डी वाई की जगह r डी आर डी थीटा लिख सकते हैं, ये डबल इंटीग्रेशन में हम पहले ही जान चुके हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार कॉमा y बार, फिजिक्स में आप इस बात को पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास क्या है। अगर कोई भी प्लेनर एरिया या कोई प्लेट हमारे पास है तो उस प्लेट में बीच में या सरफेस पर कहीं एक जगह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसका पूरा का पूरा मास सेंटर्ड माना जा सकता है, पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, एक्स बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स रो डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई। शॉर्ट में इस फॉर्मूला को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम, एक्चुअली ये रो डी एक्स डी वाई का इंटीग्रल किसे शो करता है, मास को, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम वेयर डी एम इज द एलिमेंट्री पोर्शन का मास आप ले सकते हैं, इनफाइनाइटेसिमल मास डी एम, और कंप्लीट सरफेस का मास कैपिटल एम इसके इंटीग्रल से निकल जाता है, सो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाई डी एम। सिमिलरली वाई बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल रो वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डबल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई, जिसे शॉर्ट में ऐसा लिखा जा सकता है। इन फॉर्मूलास को अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करेंगे तो एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, रो एज इट इज, सो रो इज एज इट इज, हमने एक्स की जगह ये वाला जो एक्स है इसकी जगह हमने आर कॉस थीटा लिख दिया, और डी एक्स डी वाई इज आर डी आर डी थीटा अपॉन डबल इंटीग्रल रो आर डी आर डी थीटा। सिमिलरली वाई बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल रो आर साइन थीटा, बिकॉज यहां पर वाई है तो y की जगह आप क्या लिखेंगे, r sin थीटा इंटू आर डी आर डी थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में dx dy की जगह हमने r dr d थीटा लिखा अपॉन डबल इंटीग्रल रो r dr d थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम किसी सॉलिड की बात करें, किसी थ्री डायमेंशनल सरफेस की बात करें, तो उस सॉलिड का वॉल्यूम v और उसका जो कंप्लीट मास m होगा दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल। अब की बार हमने ट्रिपल इंटीग्रल यूज किया, मास इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ रो डी एक्स डी वाई डी जेड। व्हाट इज रो, रो इज डेंसिटी, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सो ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसी तरीके से आप कर सकते हैं, डबल इंटीग्रल की जगह ट्रिपल इंटीग्रल यूज करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल रो एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन ट्रिपल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई डी जेड। सेम फॉर्मूलाज हम वाई बार और जेड बार के लिए लिख सकते हैं, वाई बार इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल रो वाई डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन ट्रिपल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई डी जेड। जेड बार के केस में ट्रिपल इंटीग्रल रो जेड डी एक्स डी वाई डी जेड अपॉन ट्रिपल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ खास काम नहीं करना, बिल्कुल डबल इंटीग्रल जैसे हम किसी सिंपल कर्व के लिए डबल इंटीग्रल करते हैं, सेम उसी तरीके से यहां पर हम एक्स बार और वाई बार निकाल सकते हैं।